अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो यार आप लोग? आपको बताएं बताएं आपको बता दें कि नहीं बता दें, शीशा इग्नोर करो, ठीक है? शीशे के ऊपर इग्नोर मारो, शीशे के ऊपर मारना इग्नोर आपने। और मेन बात आपको बताएं, वी आर गोइंग टू बाय अनदर एप्पल। परफ्यूम लिया नया, ठीक है, जिसकी वजह से जैकेट भी धोई है, स्मेल थी ना। मैं कहने नया परफ्यूम लगाएंगे तो जैकेट धुली होनी चाहिए। क्या बात है। एक और सेब लेने के लिए जा रहे हैं। सेब सेब लेने, सेब सेब हम सेब लेने के लिए जा रहे हैं ब्रो। जा रहे हैं ब्रो, हम सेब की पेटी खोलने जा रहे हैं। सेब की पेटी खोलने के लिए जा रहे हैं वो। मैं और महंगा ये सेब आता है ना, जो यूएसए से LLA। हाँ जी, ओ वो जिसपे एक कट लगा होता है वो वाला। यस ब्रो, आपने सही पहचाना, हम एक और आईफोन लेने के लिए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, देखते हैं कि उधर पहुंच के कौन सा लेंगे, कौन सा होगा कौन सा नहीं, ये आपको बाद में ही पता चलेगा क्योंकि ये अभी हमें भी नहीं पता। चलते हैं दुकान पे। हम हॉस्टल से बाहर आ गए हैं और अभी हम आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। हमजा भाई, बातें स्टार्ट की जाए ना। हमजा भाई तो माशाल्लाह फूले नहीं सुमा रहे, मतलब के इनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। बताना यार, मैंने सही कहा है? मुझे क्या क्या है, सर्दी नहीं है, अभी क्या हो रहा है? बड़ी ठंड है यार, आपको बाल उठते कैसे लग रहे हैं? ऐसे 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 कैसे लग रहे हैं यार आपको बाल उठते? यार बाहर बहुत सर्दी है और हम जा रहे हैं पैदल ही वॉक करते हुए, क्योंकि हमने येंडेक्स ओपन की जो कि बहुत ही ज्यादा से बाहर थी। ये रही जी वो पेडिस्ट्री एज ऑलवेज, जो कि आप बार बार देखते हैं मेरे व्लॉग्स में, क्योंकि मैं यार बस ज्यादा आवारा गर्द नहीं हूँ जो मुझे बहुत सारी जगहों का पता हो। ये दो चार जगह है जिधर आता जाता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ यार, पहले सामान ले लेते हैं क्योंकि उसकी उसकी शहर बंद हो जाता है 5 बजे। यार सामान को छोड़ो, वो कहीं और से ले लेंगे, दुकानें हैं। चने नहीं ना मिलते यार, फिर वो आप आए जो थाल लेके बैठती होती हैं। कोई मसला नहीं, हम बॉयल कर लेंगे दूसरे लेके, कोई मसला नहीं है ऐसा। जी हमजा भाई, हमजा भाई उस बेगम साहब जी। तो गाइस, हमजा शील बर्ड के साथ एक हमने प्रैंक किया है छोटा सा। मैंने इसकी शायद सामान लेने जाना था। मैं अगर अकेला, मैं इसको कहता सामान लेने चले, ये कभी ना आता। मैंने कहा फोन लेने चलते हैं यार, आ जाइए। उठ के आ गया, एक्साइटेड हो गए, व्लॉग भी शुरू कर दिया। हमजा शील गॉट स्कैम, चला जा चले। अल्लाह की कसम यार, मुझे अभी तक यही था कि ये अपना मोबाइल लेने के लिए जा रहे हैं, इन्होंने मुझे यही बोला। और मुझे ये मुझे बताया अभी ऑन कैमरा है, इन्होंने कह रहे कैमरा खोलो, मैंने तब बताना। मोबाइल लेंगे ना इंशाल्लाह, 5-10 में लेंगे यार। ये मैं जा रहा हूँ ब्रो, वापस मैं जा रहा हूँ इधर से भी। मैं ना जाए आप, यार ये गलत बात है कसम से यार। कुछ नहीं होता यार, इतना तो चलता है। आप इतने बड़े यूट्यूबर हो माशाल्लाह, इंशाल्लाह से 20-25 साल की देर है, कोई 4-5 मिलियन हो गया आपके। और 20-25 साल को छोड़ो यार, जो इन्होंने प्रैंक कर दिया है ना अभी यार। आई गोट प्रैंक ब्रो, आई गोट प्रैंक यार। ऑफ कैमरा मैंने इन्हें इनकी खातर तवाजो कर ली है जो करनी थी, अब क्या करें यार। कसम से इन्होंने मुझे ऑन कैमरा ही बताया, कहते कैमरा खोलो, मैंने उधर ही बताना है तुम्हें। अभी जो मुझे बताया ना कि हम ये लेने के लिए जा रहे हैं माल, मुझे पता था कि हमने जो खाना बनाना है ना उसका सामान अभी लेना है। मुझे आइडिया नहीं था बिल्कुल भी कि ये मेरे साथ ऐसा करेंगे, क्योंकि मुझे ये भी पता था, आपको मैंने दिखाया था बल्कि, कि इन्होंने आईफोन 13 प्रो मैक्स सेल करके कौन सा लिया है, 11 लिया है, तो इन्होंने लेना है मोबाइल। बट यार पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा। वो छोड़ो, जो इन्होंने किया है ना अभी ऑफ कैमरा, इनके साथ कर लिया जो करना, अब हॉस्टल में भी होगा। बच्चू भी रेडी 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 कुछ यार, ये बहुत गलत किया है। खैर अभी जा रहे हैं इश्की शहर सामान लेने के लिए, उधर से सामान लेते हैं फिर अब वही आपको दिखा देते हैं। स्कैम हुआ, प्रैंक हुआ हमारे साथ, वही सही। तो गाइस हम इस टाइम बाजार में इंटर हो चुके हैं, ठीक है, और ये भाई जान जा रहे हैं जो जिनके बालों की हालत बुरी हो चुकी है इस टाइम, सेट करें। देखा अभी नाम लिया है साथ ही,
इनको बस सेट होना है जो भी हो। खैर अभी चीजें लेंगे ठीक है, और आपको दिखाते हैं कि इस बाजार का आपको डिटेल टूर करवाएंगे किसी दिन, आपको पता चलेगी हम स्टूडेंट्स ये अपना सामान किधर से लेते हैं। केला चेक करो हमजा, यहाँ पे अरबियों का केला अरबियों का केला है माशाल्लाह, ये इधर किलो के हिसाब से मिलता है। अब हम सिर्फ दो पीस लेने लगे हैं, वो आपको बताते हैं कि अभी पाकिस्तानी ये कितने के बनते हैं। ये भाई 8,000 के मैंने लिए दो केले, 8 के बने हैं जो कि पाकिस्तानी तकरीबन कोई 170-180 रुपए के करीब करीब ये बनते हैं। हमने अब सामान ले लिया और अब रास्ता पकड़ लिया उस बेगम का, बल्कि रास्ता क्या पकड़ लिया, पहुंच ही गए हैं उस बेगम में, ये सामने पहुंच गए हैं ठीक है। और इधर से क्या लेना ब्रो, मोबाइल? इधर से हमने एप्पल लेना है, एप्पल कोई एप्पल नहीं लेना यार, इन्होंने रीजन बताता हूँ कि ये क्यों किया, मैं बताता हूँ। इसने ये लेके आया था क्लास अभी अभी अगर मैं इसको कहता आज सामान लेने चलते, इसने कभी नहीं खाना ना मैं वैसे भी मैं वैसे भी सामान लेने के लिए नहीं जाता जल्दी। खुल जा खुल जा, यार वी आर, ये खुला जो है चाबी नहीं है ना, कोई मार्क ये देख के ले ले यार, एंटी क्लॉक वाइज जो है लॉक लगाया जाता है। थैंक यू मेनू दसने के लिए, क्योंकि मुझे मनु पहले नहीं पता नहीं था, पता मैंने तुमको दस दिया है, नेक्स्ट टाइम मुझे दसने की लोड़ ना पड़े। ओके ब्रो थैंक यू फॉर मेनू दसने के लिए। ब्रो ये देख सस्ता दूध आया बड़ा यहाँ पे, 2% 11,000 का है, उधर पड़ा है 4% है, कितना है ये देख लो, जो एंटी जान वाले हैं ना देख लो इधर से भाई, सस्ता दूध इधर से ले जाए, सही है। दही योगर्ट कैफिर, कैफिर किधर है ब्रो, जब भी दही लेना हो ये दही लिया करो, एक तो अच्छा होता है और सस्ता होता है, अच्छा और सस्ता, स्टूडेंट्स है ना तो इसीलिए अच्छी बातें बताएंगे आपको। एक और जगह लुट गए हैं है ना, किधर ये देखो हम 22,000 के, उधर 22,000 के किलो थे, कि बाय द वे केले इधर किलो के हिसाब से मिलते हैं और इधर 19,000 के मिल गए, 3,000 का डिफरेंस है, 3,000 ब्रो मींस पाकिस्तानी 70 रुपए के। बाजार से मैंने इसलिए लिए मैं सस्ते पड़ेंगे, हमारी किस्मत में नेक्स्ट टाइम उस बेगम चेक करना है फर्स्ट। सारा सामान कंप्लीट हो गया और अब जा रहे हैं हॉस्टल और रूम में आपसे मिलते हैं। अब आप ये साउंड है ना, यही साउंड, हाँ जी उसी साउंड को सुनाना था आपको। हॉस्टल में पहुंचने के बाद ब्रो ये पकाए हैं और बड़े ही जो कि डिलीशियस किस्म के बने हैं आपके सामने, आपको देख के पानी आ रहा होगा आपके मुंह में, तो खैर फिर हम ये खाते हैं और इस व्लॉग का करते हैं इधर ही एंड। तो बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।